महू तहसील के अंतर्गत आने वाले पर्यटक स्थल पाताल पानी से शनिवार को 7 महीने बाद रेलवे ने दोबारा हेरिटेज ट्रेन को शुरू कर दिया है, जहां ये ट्रेन अब पाताल पानी से कालाकुंड तक शुरू की गई है, जो कि 2 दिन सप्ताह में शनिवार और रविवार को ही चलेगी। जहां शनिवार को शुरू हुई ट्रेन में सैलानियों की अच्छी खासी तादाद भी देखने को मिली है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल पाताल पानी से कालाकुंड के बीच ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयों और प्राकृतिक वादियों को लोग एक बार फिर ट्रेन की खिड़की से निहारते हुए नजर आएंगे। जहां कालाकुंड के पहाड़ों में चलने वाली हेरिटेज ट्रेन का संचालन 26 अगस्त से शुरू किया जा चुका है, जिसको लेकर सैलानियों में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। दरअसल इस बार ट्रेन पाताल पानी से कालाकुंड के बीच चलेगी। अभी शुरुआती दौर में ट्रेन का संचालन सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को होगा, जिसको लेकर लोगों ने बताया कि लंबे समय से हम इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। यही एकमात्र ट्रेन है जो महू की सुंदरता को दिखाती है। साथ ही लोगों ने समस्या बताते हुए कहा कि स्टेशन पर आने वाला मार्ग बहुत ज्यादा खराब है, जिससे ट्रेन तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए रेलवे को रास्ता दुरुस्त करवाना चाहिए। हम लोग बाइक आ रहे हैं और मतलब हमने गूगल मैप पे लगाया था यहाँ का स्टेशन का नाम, तो उसके थ्रू हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन वहाँ जहाँ अंदर एंटर किए हैं तो एक छोटे से रास्ते से एंट्री थी, तो वहाँ एटलीस्ट थोड़ा बोर्ड होना चाहिए क्योंकि हम लोग रास्ता भटक गए थे। तो वहाँ पर अगर एक बोर्ड हो ताकि एंट्री आसानी से हो सके। बाकी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई है, बाकी तो सब अच्छा रहा। लेकिन जब बस मेन हम स्टेशन की तरफ एंटर हुए, वहाँ पर एक बोर्ड होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ से स्टेशन का रास्ता जा रहा है। इंदौर से आए हम। इसके पहले कितने बार आप आते थे? इसके पहले लास्ट टाइम आए थे हम, एक बार और आए थे जब ट्रेन वहाँ से चलती थी, मऊ से चलती थी। अब चूंकि ट्रेन यहाँ से पाताल पानी से करती है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस और हो गया है। डिस्टेंस सी के बाद जो आने वाला रास्ता है वो बहुत ख़राब है। अगर आप 4-व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको एक नाला क्रॉस करना पड़ेगा, जो बहुत रिस्की भी हो सकता है। अब अभी हम पहली बार आए तो जोश में आ गए हैं, पर अब और अभी बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश जैसी होगी तो नाला उफान पर भी आ सकता है, रिस्की बहुत। हम आपको बता दें कि इंदौर से पाताल पानी की दूरी करीब 40 किलोमीटर है, जिसे आपको अपने निजी वाहन से ही तय करना होगा। वहीं पाताल पानी रेलवे स्टेशन से ट्रेन सुबह 11:05 पर रवाना होगी और दोपहर 1:25 पर कालाकुंड पहुंचेगी। कालाकुंड से वापसी में ट्रेन दोपहर 3:34 पर चलेगी और शाम 4:30 पर पाताल पानी पहुंचेगी। हेरिटेज ट्रेन का सफर कम होने के बाद भी किराया कम नहीं किया गया। इस ट्रेन का एक दिशा के लिए एसी चेयर कार का किराया 265 रुपये और नॉन एसी चेयर कार का किराया 20 रुपये प्रति व्यक्ति रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, महू।